हेलो फ्रेंड्स, salespan.com की इस बैकलिंकिंग वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि वेबसाइट से बैकलिंकिंग कैसे लेते हैं। तो आज की हमारी वेबसाइट है pintrest.com, एक सर्च इंजन है। ये देखिए pintrest.com, यहाँ पे हमें पहले प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल बनाने के बाद ही हम यहाँ अपनी पोस्ट डाल सकते हैं। तो प्रोफाइल बनाने के बाद ये देखिए मैंने प्रोफाइल बनाई है। सेटिंग में जाना है, ये देखिए यहाँ ये मेरी सेटिंग। यहाँ पे अबाउट में हमारी वेबसाइट डालनी है और यहाँ वेबसाइट में हमारी वेबसाइट कंफर्म करनी है। और ये यहाँ से फेसबुक को लिंक करनी है, ट्विटर को लिंक करनी है, गूगल प्लस को लिंक कर सकते हैं हम। और यहाँ सेव सेटिंग करनी है, पिंटरेस्ट होम पे जाना है, यहाँ नई पिन हम ऐड करने वाले हैं। तो इस अपलोड इमेज में जाएंगे, यहाँ हम इमेज सिलेक्ट करेंगे हमारे वेबसाइट के नाम की। ये देखिए मैंने एक इमेज सिलेक्ट कर दी है। यहाँ डेस्टिनेशन यूआरएल में हमारे वेबसाइट की यूआरएल डालेंगे, salesfun.com। ये देखिए ईमेल इमेज अपलोड हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वेबसाइट की इमेज तैयार कीजिए, जैसे कि उस इमेज पे हमारी वेबसाइट की लिंक हो। तो ये देखिए 100% हो गया है। यहाँ हमने वेबसाइट की लिंक लगाई है। तो यहाँ इमेज अपलोड हो गई है। ये इमेज का नाम आने तक ये इमेज अपलोड नहीं होती। तो हमने ये यूआरएल लगा दिया है और हमें कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड चूज करना है हमें। तो हम यहाँ क्रिएट न्यू बोर्ड भी कर सकते हैं, या किसी ये मैंने नए बनाए हुए बोर्ड है तो हम क्रिएट न्यू बोर्ड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे SEO सर्विसेस और सीक्रेट नो रखेंगे और क्रिएट कर देंगे। ये देखिए इस तरह हम अपनी वेबसाइट की बैकलिंकिंग पिंटरेस्ट से ले सकते हैं। ये क्लोज करना है। ये देखिए माय पिंस में जाके हम अपने पिंस दे सकते हैं। इस तरह हम इस वेबसाइट से बैकलिंकिंग ले सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट salespan.com पे जाइए। वहाँ बहुत सारी आइडियाज़ मिलेंगे, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट दूसरे वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं। ये देखिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई वेबसाइट के साथ। थैंक यू।